नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। और आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो मशीन डिजाइन, जो हमारा सब्जेक्ट है ME 308, उसके अंदर फिफ्थ यूनिट्स में डिजाइन ऑफ की, जो की और कपलिंग वाला जो यूनिट है उसके अंदर जो पहला पार्ट है की, उसकी जो डिजाइन किस तरीके से की जाती है, की क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप ऑफ की लिखा हुआ है, सन की, टेंजेंट की, सैडल की, राउंड की, स्पलाइन की, ये सारी चीजें लिखी हुई। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं की का क्या मतलब है। तो इसमें हम एक डायग्राम देखते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये शाफ्ट है और ये वाला पार्ट है इसका हब है। शाफ्ट जो है जब रोटेट करेगी तो हब भी रोटेट करेगा और हब के ऊपर जो भी असेंबली होगी वो भी रोटेट। तो की एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो कि इस शाफ्ट और इस हब, इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को ब्लॉक करता है, जिससे जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो हब को भी रोटेट करना पड़ेगा, या फिर हम उल्टा रिवर्स में कह सकते हैं, जब हब रोटेट करेगा तो शाफ्ट को भी रोटेट करना पड़ेगा। तो की बेसिकली एक इट इज पीस ऑफ मेटल जो कि इसका आधा पार्ट है इस शाफ्ट के साथ अटैच रहता है, शाफ्ट के ग्रूव के अंदर इंसर्टेड होता है, बाकी आधा पार्ट हब के ग्रूव के अंदर इंसर्टेड रहता है। तो जब शाफ्ट का हम क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आधा पार्ट शाफ्ट में, आधा पार्ट ऊपर, जो ऊपर वाला आधा पार्ट है वो हब के अंदर इंसर्टेड रहेगा। तो की एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अगर डेफिनेशन देखें जो कि रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है किसी दो कंपोनेंट के बीच, दो डिवाइसेस के बीच। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संघ की। अब अलग अलग टाइप की कीज हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। अब ये सारी कीज दिखती कैसे हैं, तो इसके लिए ये डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए अलग अलग की जो है आपके डायग्राम दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखी है। तो जैसे ये स्क्वायर संघ की है, फ्लैट सन की है, डोवेल की है, फीडर की है, टेपर सन की, गिब हेड सन की, वुड रफ की, ये अलग अलग टाइप की कीज है। अलग अलग इनकी ये जितनी भी कीज है इनका आधा पार्ट शाफ्ट में, आधा पार्ट इसके काउंटर पार्ट में इंसर्टेड होता है और इस तरीके से ये जो है रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है। तो सबसे जो ज्यादा बेसिक यूज में आती है वो हमारे पास सन की यूज में आती है। ये जो हमारा ये दोनों जो मॉडल रखे हुए हैं प्लस ये जो हमारा बात डिवाइस है ये टेपर सन की है, तो इनका ज्यादातर हमारा यूज में आता है। कुछ एंगुलर मूवमेंट प्रिवेंट करना हो तो टेपर हम इसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर सिंपल रोटरी मूवमेंट प्रिवेंट करना है तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सन की यूज में ले सकते हैं। तो वापस हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन। Sankhi are provided half in the keyways of shaft and half in the keyways of hub. इसका आधा पार्ट जो है शाफ्ट के कीवे में होता है, आधा पार्ट हब के कीवे। कीवे का मतलब होता है जो ग्रूव कटा हुआ होता है और उसके अंदर की को इंसर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर भी फिर हम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर Sankhi, इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर Sankhi हो सकता है, स्क्वायर Sankhi हो सकता है और टेपर Sankhi। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो रेक्टेंगल होगा, जैसे ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगल। अगर ये स्क्वायर है तो दोनों साइड्स बराबर होगी तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर Sankhi। और टेपर का मतलब चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, टेपर का मतलब थर्ड डायमेंशन में इसको टेपर दे दिया जाता है। इसमें कुछ और भी टाइप है, पैरेलल Sankhi, टेपरलेस, पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल भी कहते हैं। पैरेलल का मतलब जो वो शाफ्ट या हब का जो मेन एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसकी सारी सरफेसेस, मतलब इसकी जो सरफेसेस हैं वो इसके पैरेलल रहेगी। इट में भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो सकती है और क्रॉस सेक्शन गियर और पुली कैन स्लाइड आल्सो ऑन द शाफ्ट। तो इस तरीके का ये होती है। अब टेपरलेस अगर हम देते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टेपर अगर हम दे रहे हैं तो उससे क्या फायदा है और नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या। जब हम टेपर अगर हम देते हैं, जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें
यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे टेपर नहीं दे रखा है, तो इसका आधा पार्ट शाफ्ट में रहेगा, आधा पार्ट हब में रहेगा, लेकिन हाँ आधा पार्ट शाफ्ट में रहेगा, आधा पार्ट हब में रहेगा। शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा, लेकिन एक्सियल जो मूवमेंट है इस हब का, शाफ्ट के ऊपर एक्सियल जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, ये प्रिवेंट नहीं है। रोटरी मूवमेंट तो प्रिवेंट हो जाएगा, शाफ्ट और हब के बीच में रोटरी मूवमेंट प्रिवेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो हब को भी रोटेट करना पड़ेगा, या फिर जब हब रोटेट करेगा तो शाफ्ट को भी रोटेट। लेकिन जब इसको हम यूज में लेंगे और अगर ये टेपर नहीं है, टेपर लेस है, तो हब इस शाफ्ट के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, इसको प्रिवेंशन नहीं है। रोटरी मूवमेंट में तो प्रिवेंशन हो गया, रुक गया, लेकिन स्लाइडिंग इसके ऊपर जो एक्सियल ही स्लाइड कर सकता है, अगर हम इसको भी रोकना चाहते हैं तो हमें टेपर हेड, टेपर सन की यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि टेपर होने के बाद, टेपर एक बार होने के बाद ये इस पे स्लाइड नहीं कर सकते, तो ये बेनिफिट होता है टेपर सन। तो वापस देखते हैं, फिर देखिए गिप हेड की, यानी इसके ऊपर एक हेड हो जाता है। सैडल की, दिस इज ए टेपर की विच फिट इन ए की वे इन द हब एंड फ्लैट ऑन द हब एज शोन इन द फिगर। सैडल की का मतलब इस हब के ऊपर ये फ्लैट होगा, टॉप सरफेस जो होगा, एंड फ्लैट ऑन द हब एज शोन, तो ये सैडल की कहलाएगी। अब हम आगे देखते हैं इसमें, और कौन से टाइप की कीज है हमारे पास। देखिए राउंड की, इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड पार्टली फिट इन द शाफ्ट एंड पार्टली फिट इन द राउंड। तो ये सर्कुलर जो की कहलाएगी, जैसे इस डायग्राम में हम देख चुके हैं, देखिए सर्कुलर की, जिसको डॉल की भी बोलते हैं, आधा पार्ट इसका हब में होगा, आधा पार्ट शाफ्ट में होगा, तो ये सर्कुलर की कहलाएगी। फिर स्प्लाइंड की कहलाएगी, स्प्लाइंड का मतलब शाफ्ट के साथ जो की होती है वो इंटीग्रल होती है, शाफ्ट के मटेरियल के साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे शाफ्ट के साथ ही बनाई जाती है, तो इसे हम स्प्लाइंड शाफ्ट कहते हैं। तो ज्यादातर हम एक्सल शाफ्ट अगर ऑटोमोबाइल की देखें तो वो स्प्लाइंड शाफ्ट ही हमें देखने को मिलेगी, या फिर क्लच की जो शाफ्ट होती है, जो गियर बॉक्स जिस पे माउंट होता है क्लच के बाद, वो भी स्प्लाइंड होती है। कीज आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट व्हिच फिट इनटू द की, इंटीग्रल ही होती है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक दिखा रखा है, और सर्कमफेरेंशियली सिमेट्रिकली ये हो सकती है, कई सारी स्प्लाइन हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ संक, एक सिंपल जो संकी हम लेते हैं जिसका आधा पार्ट हब के अंदर है, आधा पार्ट आधा पार्ट हब के अंदर है, आधा पार्ट शाफ्ट के अंदर है, तब उसका डिजाइन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन की, क्या क्या डायमेंशन। सबसे पहले हम लेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डी जो होगा शाफ्ट का डायमीटर होगा, और उसके बाद जो की हम इंसर्ट करेंगे उसके डायमेंशन हम ले लेते हैं, टी थिकनेस ले लेते हैं, यानी टी बाई टू शाफ्ट के अंदर, टी बाई टू हब के अंदर इंसर्ट। बी इसका जो है विड्थ ले लेते हैं, तो टी और बी ये दोनों इसका क्रॉस सेक्शन बना बन जाता है, और एल लेंथ हो जाएगी। हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार वापस उसकी डायमेंशन देखते हैं, जो ये क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, बी इसकी विड्थ होगी, टी इसकी थिकनेस, और टी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, टी बाई टू नीचे शाफ्ट के साथ रहेगा, टी बाई टू हब के साथ रहेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पर लोड किस तरीके के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए शाफ्ट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो शाफ्ट पे जो पावर है, जो भी इंजन या फिर मोटर की वजह से जो भी पावर है, उसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, उस टॉर्क की वजह से इसकी पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा एफ पी। तो एफ पी जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स ये जो डायरेक्शन है राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्शन।
अब जो हब है इसके सराउंडिंग हब जो बना हुआ है वो अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पे रहने की ट्राई करेगा, तो हब जो है इसका रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं जो की है हमारे पास, जो हमारे पास की है उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो शेयर लोड लग रहा है, और कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए एफ टी इधर इस डायरेक्शन में इस सरफेस जो पार्टिंग सरफेस है उसके नीचे टुवर्ड्स राइट साइड एफ टी लग रहा है, और ये शाफ्ट की वजह से और हब की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लग रहा है, यानी इस सरफेस पर हमारा शेयरिंग होगी। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शेयरिंग के वजह से ये की फेल होने का चांसेस है, यानी शेयरिंग के लिए इसको डिजाइन करने पड़ेगा। यहाँ एक चीज और हमें ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये होगी शेयरिंग के अलावा यहाँ कंप्रेसिव या क्रशिंग लोड भी है, क्योंकि ये जो सरफेसेस है ये वाली जो एज और इसके साथ थर्ड डायमेंशन में भी ये पूरी पूरी सरफेसेस है उस पे क्रशिंग फोर्स भी लग रहा है, सेम क्रशिंग फोर्स इधर भी लग रहा है। तो की जो है दो टाइप के स्ट्रेसेस बियर करेगी, एक तो शेयरिंग इस प्लेन के अकॉर्डिंग प्लेन के रेस्पेक्ट में, और क्रशिंग आधा हाफ इस तरफ और आधा हाफ। तो दो टाइप के स्ट्रेसेस में इसको डिजाइन करना पड़ेगा, एक तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा और शेयरिंग स्ट्रेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्योंकि शाफ्ट एक रोटरी एलिमेंट है तो रोटरी एलिमेंट के साथ रोटेशनल पावर दी जाती है, और पावर से टॉर्क और टॉर्क से हम टेंजेंशियल फोर्स। मान लीजिए हमें गिवन है कि पी पावर हमारे पास दे रखा है और एन आरपीएम के साथ अगर रोटेट कर रहा है तो पी इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा इंटू टू पाई एन बाई 60, अगर एन आरपीएम में अगर लेना चाहे तो इस तरीके से हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास पी इंटू 60 अपॉन टू पाई, अगर पी किलो जो भी वाट या किलो वाट में दे रखा है तो पी की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। और अगर हम टेंजेंशियल फोर्स निकालना चाहें तो टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस यानी डायमीटर का हाफ डिवाइड इक्वल टू टू टी अपॉन डी। तो टेंजेंशियल जो लोड होगा टू टी अपॉन डी ये इस तरीके से हम निकालेंगे, और P क्रॉस सेक्शन का वैल्यू जो होगी P 60 P अपॉन 2πN। फिर क्या करेंगे एरिया ऑफ शेयरिंग, अब एरिया ऑफ क्रशिंग और एरिया ऑफ शेयरिंग की बात करेंगे कि शेयरिंग जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है। शेयरिंग इस वाले एरिया में लग रहा है जो अंदर की तरफ है, इसकी डायमेंशन B और अंदर जितनी भी इसकी लेंथ है वहां तक जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रशिंग शेयर होगा L into B, इस तरीके से हम देख सकते हैं। शेयर का जो एरिया होगा ये मान लीजिए डी लेंथ है और ये एल, ये पूरा एरिया जो होगा डी इंटू एल, ये जो एरिया होगा हमारा ये शेयरिंग करेगा, क्रशिंग ये वाला एरिया इसमें भी आधा, क्योंकि आधा हब में है आधा शाफ्ट में है तो आधा एरिया क्रशिंग करेगा। तो शेयर जो एरिया है एल इंटू बी रखेंगे, क्रशिंग एरिया जो हमारा रखेंगे L into T by 2, T by 2 क्यों? क्योंकि आधा हमने लिया है। तो शेयर स्ट्रेस इन क्रशिंग जो हो जाएगा शेयर लोड डिवाइड बाय एरिया, शेयर लोड FT है और शेयरिंग ये रेजिस्टिंग एरिया LB, और 2T अपॉन D जो यहाँ पर टॉर्क की टर्म आई अपॉन LB, 2T अपॉन BD है, ये शेयर स्ट्रेस इन क्रशिंग हो जाएगा। और ये शेयर स्ट्रेस इन शेयरिंग के अंदर शेयर स्ट्रेस इस तरीके, क्रशिंग स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो लोड डिवाइडेड बाय क्रशिंग एरिया, लोड हमारा वही एफटी ही रहेगा डिवाइडेड बाय क्रशिंग एरिया हमारा एलटी अपॉन 2, ये जो क्रशिंग एरिया हमने निकाला एलटी अपॉन 2, तो 2टी अपॉन डी अपॉन एलटी अपॉन 2 इक्वल टू 4टी अपॉन एलटीडी। तो क्रशिंग जो स्ट्रेस है वो 4टी अपॉन एलटीडी इस तरीके से हम निकालेंगे। फर्दर जो इसका डिजाइन होगा जो भी परमिसिबल लिमिट दे रखी है उसके बराबर रखना है, यानी अप्लाइड शेयर स्ट्रेस जो ये अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। तो हमारे पास ये अननोन डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, क्रशिंग के अंदर डिजाइन करना चाहते हैं तो अप्लाइड क्रशिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो फिर जो डायमेंशन आएगी दोनों में से जो डायमेंशन सुटेबल है दोनों के लिए, दोनों में से जो मैक्सिमम डायमेंशन आएगी वो हमें इस डिजाइन के तौर पर लेना पड़ेगा। यानी जो भी डायमेंशन होगी वो क्रश शेयरिंग में भी हमें सेटिस्फाई करनी है और क्रशिंग में भी
सेटिस्फाई कर। थैंक यू।